हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देखे सीखे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस बनाना, वो भी काइन मास्टर के द्वारा। दोस्तों, मैं यहां पे आपको जो सॉन्ग है दोस्तों वो नहीं सुना सकता, क्योंकि उसकी वजह से कॉपीराइट का इशू हो सकता है मेरे चैनल पे। फिर भी मैं आप सभी को बता दूंगा कि आप इस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हैं, जो कि आजकल काफ़ी चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं देखे सीखे। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और 16:9 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से मीडिया पे करना है क्लिक और बैकग्राउंड एक ब्लैक चूज कर लेना है, और इसको आपको ड्रैग करके जितनी सेकंड की आपको व्हाट्सएप स्टेटस रखनी है उतने सेकंड की आप सभी को यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद से ऊपर से यहाँ से ओके कर लेना है, और आपको ऑडियो पे क्लिक करना है दोस्तों, और आपको जो ऑडियो पसंद है, जिसकी आप व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाहते हैं, उस म्यूज़िक को आपको अपने मोबाइल में से यहाँ पे ले लेना है। तो मैं ये वाला दोस्तों बनाना चाहता हूँ, बादशाह, तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसकी मैं वॉल्यूम कर देता हूँ कम, ताकि म्यूज़िक प्ले ना हो, नहीं तो दोस्तों इस कॉपीराइट का इशू आ सकता है। और ये मैंने ले लिया दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगी और मुझे भी सुनाई नहीं देने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पे माइक का यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लेयर पे करना है क्लिक, और यहाँ से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों आपको ऑडियो सुन के उसके बाद से यहाँ पे लिख देना है। साइट से आके जितने मुझे चाहिए उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे टाइप करने ना पड़े, क्योंकि टाइप करने में दोस्तों काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैंने इस सॉन्ग्स के लिरिक्स को मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे ढूंढ लिया है, और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है, और अब मैं चला जाऊँगा अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हमने थोड़े काम अधूरे छोड़े थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीधे लेयर पे करेंगे क्लिक और टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया हुआ था। तो यहाँ से जो मुझे दोस्तों जितने चाहिए फर्स्ट वाले में उतना ही लूँगा, मतलब है ये मोहब्बत कमजोरी मेरी, इतने ले लूँगा, और बाकी के वापस दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और कट कर लूँगा, और ये इसको मैं कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे आप जिस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, और फॉन्ट को भी आप जो भी फॉन्ट यहाँ पे रखना चाहते हैं वो वाला फॉन्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर देता हूँ, और इसकी जो इसको ड्रैग के फुल कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे करेंगे ओके। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे वापस से फॉन्ट को, और इन एनिमेशन को हम सेट कर देंगे जो भी जिस तरह के आप इन एनिमेशन चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फेड रख देता हूँ, और वापस इसे क्लिक करेंगे, और इसका कलर है दोस्तों हम ग्रीन कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे ओके। फिर से यहाँ से करेंगे ओके। ओके करने के बाद इसे फिर से हम आप प्ले करके देख लेंगे, यहाँ पे करेंगे स्टॉप, मतलब ये जहाँ से लिरिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाद से दूसरा लिरिक्स आ रहा है दोस्तों। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सीजर पे सिलेक्ट करके इसे स्लिप प्ले पे क्लिक कर देंगे, और वापस इसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे वापस जाएंगे, और यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे डिलीट। इसके बाद से दूसरा हम लिरिक्स यहाँ पे उसके आगे के लिरिक्स को हम यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर से बाकी के नीचे के कर लेता हूँ कॉपी, और इसे कट कर देता हूँ, और यहाँ से करूँगा ओके। फिर इसका अगर आप चाहे तो फॉन्ट अलग कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप फॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला फॉन्ट मैं लेता हूँ, करता हूँ यहाँ से ओके, और मुझे इसकी इन एनिमेशन चेंज करनी है, सेम टू सेम नहीं रखना है, तो इस तरह से मैं रख दूंगा और इसे कर दूंगा ओके, और इसे वापस से प्ले करेंगे, और जहाँ पे इसकी ऑडियो ख़त्म हो रही है दोस्तों वहाँ पे हम इसे फिर से स्टॉप करेंगे, और फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे, सीजरिंग पे जाएंगे और स्लिप एट प्लेहेड पे क्लिक करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और इस फोन को वापस से यहाँ से डिलीट कर देंगे, और वापस यहाँ से अगला लिरिक्स टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ से इसे पेस्ट कर देता हूँ, और बाकी का बचा हुआ कट कर लेता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपको फिर से इसका इन एनिमेशन चेंज कर देना है, जिस तरह से आप चाहे रखना उस तरह से रख सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों फिर इसे प्ले कर लेंगे हम,
सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सीजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्लिप एट प्लेहेड पे क्लिक करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों सेम ऐसे प्रोसेस आपको कर लेना है, आपको पूरी लिरिक्स टाइप कर लेनी है सॉन्ग के हिसाब से। दोस्तों आपको सॉन्ग सुनना है, फिर उस हिसाब से आपको लिरिक्स टाइप कर लेना है। जहाँ पे सॉन्ग्स के बोल ख़त्म हो रहे दोस्तों, वहाँ तक ही आपको लिरिक्स को रखना है, और सारे फ़ोन के कलर आपको ग्रीन में ही रखने हैं। और आप चाहें तो सबकी इन एनिमेशन चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से आप रखना चाहते हैं। और जहाँ पे फोन सॉन्ग खत्म हो रहा है वहाँ पे आप कट लगा दीजिए, सिलेक्ट करके वापस अगला लिरिक्स आप ले लीजिए। काफ़ी इजी है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। क्या मैंने ओके, इसकी भी इन एनिमेशन हम चेंज कर देंगे इस तरह से कुछ। इसे प्ले करेंगे और जहाँ तक इसके बोल रहे हैं वहाँ तक लिरिक्स को मैच करेंगे। ओके, यहाँ पे आप इसे कट लगा देंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे कट डिलीट करेंगे और पेस्ट करेंगे दूसरा फॉन्ट, और यहाँ पे इस तरह से हम कर लेंगे। ओके कर देंगे, इन एनिमेशन आप इसे रख दीजिए जो भी रखना चाहे, ओके कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारी जो फॉन्ट वाली थी दोस्तों एक कंप्लीट हो चुकी है, इसे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद से दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिए कि फॉन्ट जो आपने लिरिक्स टाइप की है वो और आपका ऑडियो वाला जो सॉन्ग है वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं। मैच हो रहा है तो आप कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद से इसे स्टॉप करिए और यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक करके आप इसे HD 720 पे एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट होने के बाद से दोस्तों आपको बैक चले आना है और वापस से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और 16:9 वाला रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको फिर से मीडिया पे करना है क्लिक और बैकग्राउंड पे दोस्तों एसी कलर वाली एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेनी है, और आपको इसको ड्रैग करके लंबा कर देना है और यहाँ से करना है ओके, और लेयर पे करना है क्लिक दोस्तों, और यहाँ पे मीडिया पे करना है क्लिक, और ये वाली इमेज दोस्तों जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसे सिलेक्ट करके आपको फुल कर लेना है और यहाँ से दोस्तों इस पर टैप करना है और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओके कर देना। उसके बाद से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और जो आपने अभी एक्सपोर्ट की थी दोस्तों जो लिरिक्स वाली उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद तो इसको भी आपको कर देना है फुल। फुल करने के बाद दोस्तों इसको वापस लेयर वाली फॉन्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद से दोस्तों कुछ इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा। अब इसे आप प्ले करेंगे दोस्तों तो आप सभी को इस तरह की इफेक्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपने फ़ोटो डाउनलोड की है दोस्तों उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसका अपने फ़ोटो डाउनलोड करेंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में से उस फोटो को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ओवर ऑल एनिमेशन पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से रैन वाला चूज़ कर सकते हैं आप जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखा गया, फिर ये स्पिन वाला इसको सिलेक्ट करने के बाद से ओके कर देना है, और आप इसे प्ले करके देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट आप सभी को हर फॉन्ट में हर लिरिक्स पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का आप व्हाट्सएप स्टेटस काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से फिर से दोस्तों आपको करना क्या, लास्ट में जाना है और आपकी जो यहाँ पर जो वीडियो लिरिक्स वाली ख़त्म हो रही है वहाँ पर क्लिक करके इसे यहाँ से ट्रिम टू राइट प्लेहेड कर देना है। इस फोटो को भी यहाँ से ट्रिम टू राइट प्लेहेड कर देना है, ओके करना है, और उसके बाद से आप प्ले करके पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए कि आपकी वीडियो अच्छी तरह से बनी है या नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आप इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं काफ़ी कमाल से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को करें लाइक, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।